हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ वोटर कार्ड वेरिफिकेशन कैसे करेंगे और करेक्शन भी कैसे करेंगे। इसके लिए आपने कंप्यूटर की सर्च बार में टाइप कीजिए ncvt.in। तो मैं सर्च कर लेता हूँ नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, इसका वेबसाइट का नाम है। तो ये डायरेक्ट आप वेबसाइट में आ चुके हैं। तो वेबसाइट में आने के बाद आप लॉगिन और रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन और रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपके पास अगर रजिस्टर किया हुआ है तो आप डायरेक्ट लॉगिन करेंगे, और नहीं किया हुआ है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद अपना फ़ोन नंबर डालेंगे और ये कैप्चा फिलअप करेंगे। मैं कैप्चा फिल कर देता हूँ और सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। सेंड ओटीपी पे क्लिक करने के बाद ऊपर देखिए ओटीपी सेंड सक्सेसफुली दिखा रहा है। तो आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी एंटर ओटीपी पे ये ओटीपी डाल के आप वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई पे क्लिक कीजिए तो ये देखिए मोबाइल हैज वेरीफाइड। तो आपका ईपिक नंबर डालेंगे, यानी वोटर कार्ड का जो नंबर है वो डालेंगे यहाँ पे। तो मैं वोटर कार्ड नंबर डाल देता हूँ और नीचे पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, ये दो पास एक पासवर्ड क्रिएट कर देंगे खुद से और ये पासवर्ड लिख के रख लीजिए आप। तो मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद फिर से कंफर्म पासवर्ड पे सेम टू सेम आप डालेंगे। और रजिस्टर पे क्लिक कीजिए। मेरा नेट थोड़ा स्लो है तो रजिस्टर पे क्लिक कीजिए। रजिस्ट्रेशन लेने के बाद आपके पास हमने ऐसे लॉगिन का पेज ओपन हो जाएगा। तो आप अपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के और यहाँ पे कैप्चा डाल के आप लॉगिन पे क्लिक कीजिए। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके जो टिकट नंबर है उसके अगेंस्ट यहाँ पे आ जाएगा आपका डिटेल्स। तो आप वेरीफाइड सेल्फ डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। वेरीफाइड सेल्फ डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद ये देखिए व्यू डिटेल्स आ गया आपका डिटेल्स। तो यहाँ पे आपका अगर करेक्शन करना है तो आई नीड करेक्शन पे क्लिक कीजिए, और नहीं करेक्शन करना नहीं है तो आई हैव नॉट करेक्शन इस पर क्लिक कीजिए। तो आप मैं करेक्शन करना है मुझे नाम और एड्रेस, और एड्रेस पे नाम और एड्रेस पे क्लिक करके आपका नाम और एड्रेस का फॉर्म निकल आएगा। तो फॉर्म पहले इंग्लिश और राइट साइड में आ जाएगा आपका मदर लैंग्वेज पे, जो आपका अगर बंगाली है तो बंगाली, हिंदी है तो हिंदी, और जो आपका स्थानीय नाम है वो नाम से स्थानीय लैंग्वेज है वो लैंग्वेज से आप अपना नाम साइट पर लिखेंगे, और अपना डॉक्यूमेंट स्कैन करके यहाँ पे ये देखिए डॉक्यूमेंट डालेंगे और अपना कौन सा डॉक्यूमेंट दिया है वो डालेंगे, और अपना प्लेस डाल के आप वेरीफाइड डिटेल्स पे ड्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे।
सॉरी व्यू अप्लाइड डिटेल्स पे क्लिक कीजिए और ये देखिए आपका जो 8 नंबर फॉर्म है वो निकल के आ गया है। आपको अगर करेक्ट लगा तो सबमिट कीजिए और करेक्ट नहीं लगा तो बैक करके आप दोबारा करेक्ट कर सकते हैं। तो मैं सबमिट कर देता हूँ। नेट थोड़ा स्लो है इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। ये देखिए सबमिट हो गया है। यहाँ पे सबमिट लिखा हुआ है तो आप क्लिक करेंगे ईबीपी होम पे क्लिक करने के बाद आप जाएंगे फैमिली लिस्टिंग एंड ऑथराइजेशन। फैमिली लिस्टिंग ऑथराइजेशन में जाने के बाद फैमिली लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपना फैमिली का जो दूसरा वोटर कार्ड है उनका नंबर डाल के यहाँ पे लिस्ट करेंगे। तो मैं दूसरा नंबर डाल के एड लिस्ट पे क्लिक कर देता हूँ। सॉरी एड मेंबर पे। ये देखिए आप यहाँ पे अपना जो मेंबर है उनका डिटेल्स देख सकते हैं और रिलेशन टाइप आपका रिलेशन कौन सा है इनके साथ वो रिलेशन डाल देंगे। और ऐड मेंबर पे क्लिक कीजिए। ये देखिए ऐड हो गया है। इस तरह सब जितने भी मेंबर है वो आप ऐड कर देंगे। उसके बाद ऐड यू हैव ऑल मेंबर्स उस पर यस पे क्लिक कीजिए और सबमिट पे क्लिक कीजिए तो आपका सब मेंबर ऐड हो जाएंगे। ये पे देखिए सब ऐड हो गया। तो आप यहाँ से अगर कोई मेंबर को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं। तो आप EBS फोन पे जाएंगे और फैमिली लिस्टिंग पे जाएंगे, फैमिली वेरिफिकेशन पे दोबारा जाएंगे। तो दोबारा जा डिटेल्स पे जाके मैं उनका नाम करेक्शन और एड्रेस करेक्शन कर देता हूँ। ये देखिए आप करेक्शन करने के बाद नंबर फॉर्म आ गया है, इसको भी सबमिट कर देंगे। ऐसा सबको सबमिट कर देंगे और सबमिट करने के बाद ये देखिए एक रेफरेंस नंबर आएगा ये अपना करेक्शन के लिए। तो रेफरेंस नंबर आप नोट कर लीजिए। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों पे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।